दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहां कुछ लोग बहुत तेजी से काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज हम आपको जिन लोगों से रूबरू करवाने वाले हैं उनके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे, जिनके जैसे कारनामे और स्पीड आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं, लेकिन ये टैलेंट कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि दोस्तों 27 मीटर लंबे पेड़ पर ये व्यक्ति इतनी तेजी से चढ़ता है कि किसी बंदर को भी फेल कर दे। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस व्यक्ति का ये करतब अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब कभी भी हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत उनके लेट सर्विसिंग की होती है। कभी वेटर टेबल साफ नहीं करते तो कभी ऑर्डर लेने में टाइम लगा देते हैं, लेकिन अगर सर्विस इनके जैसी हो तो फिर बात ही अलग है, क्योंकि दोस्तों इनके काम करने की स्पीड सच में काबिले तारीफ है। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ खाने का बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ आए तो आपका खाना चुटकियों में आपके टेबल पर होगा, क्योंकि इन लोगों की रफ्तार देखकर ऐसा लगता है कि ये एक मिनट में कम से कम 15 से 20 रोटियां तो तैयार कर ही लेते होंगे। दोस्तों, ऐसे ही इस व्यक्ति को देखिए कि ये कितनी तेजी से अपने डिश को तैयार कर रहा है, कि इसे ये भी चिंता नहीं है कि अगर ये गर्म ग्रेवी इसके ऊपर गिर गई तो इसका क्या होगा। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके स्पीड में काम करने का एक्सपीरियंस कई सालों का है, और इनका ये जुनून इनके काम के प्रति वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, अगर आप भारत में रहते हैं तो हाथ से बनी चारपाई को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी इनको बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए कैसे ये जनाब इतनी तेजी से और इतनी जल्दी इस पूरी चारपाई को तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों, वैसे ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसको बनाने में डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये पूरा खराब भी हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन जब खाने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल फास्ट फूड का ही आता है, लेकिन अगर फास्ट फूड भारत में बने वो भी इतनी तेजी से तो किसी की भी भूख दोगुनी हो सकती है, क्योंकि भारत का जायका उसकी संस्कृति की तरह ही दुनिया भर में फैला हुआ है, और जब कोई इतनी तेजी से उसे बनाता है तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों, जब घर बनता है तो आप लोगों ने उनमें ईंटों को लगते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ईंटों को बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्कर मिट्टी को इतनी तेजी से सांचे में डालकर ईंटों को शेप दे रहे हैं, माना जैसे कि ईंट बनाने का काम ये बचपन से कर रहे हो। दोस्तों, अगर कोई बिल्डर ऑफ द ईयर बनता है तो हम बिना किसी झिझक के ये अवार्ड इस इंसान को देना चाहेंगे, क्योंकि इतनी तेजी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं वो भी बिना किसी सहारे के। इनका काम सच में काबिले तारीफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक मिनट में पेपर पर कितने स्टैंप लगा सकते हो तो शायद आपका जवाब होगा कि आपने तो कभी गिना ही नहीं, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये जनाब 30 मिनट में हजारों स्टैंप लगा सकते हैं, और इनकी स्पीड को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। दोस्तों, जब कभी भी हम बड़े बड़े शेफ को खाना बनाते या सब्जी काटते हुए देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन इनके जैसे स्पीड और बारीकी शायद ही आपने कहीं देखी होगी, और इतनी बारीकी से ये एवोकाडो को काट रहे हैं कि इन्हें अपने हाथ के कटने की भी चिंता नहीं है। दोस्तों, जितने लोग ड्रिंक करते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों को कॉकटेल पीना पसंद है, क्योंकि ये तरह तरह के ड्रिंक्स का मिक्सचर होता है, लेकिन इस बार टेंडर के कॉकटेल बनाने का ये तरीका देखकर जो ड्रिंक नहीं करते उनका भी मन ड्रिंक करने का कर जाएगा। जरा देखिए कितने स्टाइल से और कितनी तेजी से ये कॉकटेल ड्रिंक बना रहे हैं, और मानो जैसे कि बचपन से ही ये काम कर रहे हो, और दोस्तों इसे देखने के बाद तो किसी का भी मन इस ड्रिंक को पीने का जरूर कर जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देखेंगे ये दोनों इतने आराम से कांच को काट रहे हैं कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई काम कर रहे हैं, और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लू टी शर्ट वाला कांच को काट रहा है और दूसरा इस कटे हुए शीशे के पीस को अलग अलग करके रख रहा है, और ये दोनों अपने काम को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि ये कोई बोरिंग काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने क्या कभी किसी पाइनएप्पल मैन को देखा है? अगर नहीं देखा तो ये देखिए कि कैसे कितने तेजी से और कितने आराम से ये सभी के सभी पाइनएप्पल को एक ही साइज में काट रहा है, और सच में इनकी स्पीड देखने लायक है। दोस्तों, आपने एक ब्रेड कटिंग मशीन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको ब्रेड कटिंग इंसान के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इनका हाथ किसी मशीन से कम तेज नहीं है, और ये इतनी तेजी से ब्रेड की पीसेस को काटकर साइड में रख रहा है, मानो जैसे कि इसके हाथों में ही मशीन फिट हो। और दोस्तों, इनका अपने काम के प्रति कॉन्सेंट्रेशन भी बेमिसाल है, अगर इनका ध्यान जरा सा भी चुका तो इन्हें चोट भी लग सकती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि फायर फाइटर हीरो की तरह मौके पर पहुंचकर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि जैसे ही कोई दुर्घटना की सूचना मिलती है तो फायर फाइटर्स कितनी तेजी से सब कुछ छोड़कर लोगों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने खुद ही देखा कि ये सभी आराम से बैठकर मैच देख रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्हें दुर्घटना का पता चला तो ये सबको छोड़कर फटाफट निकल पड़े। तो दोस्तों, आपको इन लोगों में से किसके काम करने की स्पीड सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।